हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राजा चौहान कोयलांचल धनबाद से। दोस्तों, आज मैं साल का पहला दिन 2024 को आया हूं घूमने के लिए और सोचा कि क्यों ना आज छुट्टी है तो एंजॉय कर लिया जाए। तो इसी कारण से मैं आया हूं अपने ही मोहल्ले के क्षेत्र में, जो कि द्वारी कुलियरी में है, और यहां पे मैं आया हूं घूमने के लिए। तो यहाँ वैसा कुछ नहीं है, कुछ लोग भी नहीं आते हैं, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है कि यहाँ पे पिकनिक भी किया जा सकता है और घूमने लायक जगह भी है। तो आपके क्षेत्र में इस प्रकार का शायद ही क्षेत्र हो, और चूँकि जहाँ तक पता है कि कोयलांचल तो ऐसी धरती है जहाँ पे धरती को चीर कर कोयला निकाला जाता है, और उसके बाद जो ओवी डंप होता है उस डंप के ऊपर मेसर्स बीसीसीएल के द्वारा जो है कि पौधारोपण किया जाता है। तो इसी पौधे के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारा फलदार पौधा जो है, जैसे कि अमरूद, जामुन और भी बहुत सारे पौधे हैं, वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो जब भी हमको लगता है कि यहाँ पे आप आज से 2 या 4 साल के बाद आएंगे तो आपको फल भी यहाँ पे खाने को मिलेगा और आप पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिखता है हमारा यहाँ पे आने का जो रास्ता है, और आप वहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लंबी पहाड़े हैं, और ये मैं यहाँ आ चुका हूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा, अभी चूँकि इसका जीर्णोद्वार नहीं हुआ है तो जीर्णोद्वार होगा, यानी कि पूर्णतः ये बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। अभी कई सारे पार्क है, जैसे गोकुल पार्क है, बेड़ा में भी एक पार्क है जिसका उद्घाटन हो चुका है, वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन ये अभी CISF के द्वारा यहाँ पे इस पे काम किया जा रहा है, और यहाँ पे CISF के भाई साहब जो हैं वो आते हैं यहाँ पे, अपना ड्यूटी देते हैं यहाँ पे, बारिश में वो छिपा करते हैं। तो बहुत सारा चीज़ होता है जो लगता है कि ये किस प्रकार हुआ, तो यहाँ पे वो लोग बैठते हैं और यहीं पे खाना खाते हैं। आज 1 जनवरी होने के नाते यहाँ पे आज कोई नहीं है। तो मैं बात कर रहा था इसी पौधे का, ये जामुन का है, और इसकी प्रजाति भी काफ़ी अच्छी है, पत्ता देख के ही समझ में आता है कि ये बड़े वाले फलदार हैं। और इसके बाद फिर दिखाते हैं आपको, काफ़ी सारा अमरूद का पेड़ है जो लगाया गया है, ये आपका अमरूद का है, और यहाँ पे आप जब आएंगे, जब ये फलने लायक हो जाएगी तो आप इसमें अमरूद खा सकते हैं। फिर इधर आपका आ जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं वो जो घास होता है, वो घास भी काफ़ी सारा लगाया गया है, और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसका औषधीय गुण के लिए भी यहाँ पे लगाया गया है। सागवान का पौधा मिलेगा, नीम का पौधा है, आप यहाँ पे नीम के पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं, हालांकि नीम तो कड़वा होता है, और कड़वा जो कुछ भी होता है, चाहे वो इंसान हो या खाने वाली वस्तु है, वो काफ़ी गुणकारी होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना सारा पौधा है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये सारे पौधे जो देख रहे हैं ये अमरूद के ही हैं, और इसी प्रकार मैं थोड़ा सा उधर जूम नहीं कर पा रहा हूँ चूँकि सनलाइट के वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ दिखाने का। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं, अपना पिकनिक मना सकते हैं या घूमने के लिए आ सकते हैं। तो अभी इन पौधों में जैसा कि देख रहे हैं कि कोई भी फूल या फल नहीं आया है, अभी ये पौधे काफ़ी बच्चे, तो इसमें फल जब आएगा तो
हम फिर आएंगे। अच्छा, एक दिखा एक दिखा एक दिखा, इसको तो हम जरूर खाने के लिए आएंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको खाने के लिए आएंगे दोस्तों, जब बड़ा होगा तो इसको दिखाएंगे। चलिए कम से कम इसको खाने का शायद सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत सारे पौधे हैं, हो सकता है मैं भी कि किसी पौधे में हो फल। और हम इसका आनंद उठा पाए। यहाँ पे आपको एक सिंटेक्स भी दिखेगा, ये सिंटेक्स है। यहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है, टैंकर आती है मेसर्स बीसीसीएल के द्वारा, और उसके बाद जो है यहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है और इसी पानी को पौधों में डाला जाता है। और इधर आपका हो गया छोटी छोटी चट्टाने, छोटी छोटी पत्थरे जिसपे आप यहाँ पे बैठकर अपना एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैं बैठ गया, मुझे चलने की काफ़ी कम आदत है, तो मैं बैठकर अब आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ पे एक बड़ा सा शीशम का पेड़ है जिसे आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा है, काफ़ी बड़ा है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे एकांत। अगर आपको आपका मन कभी अस्थिर है तो आप यहाँ पे आके अकेले एंजॉय कर सकते हैं, एकांत भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे आनंद का अनुभूति मिलेगा आपको किसी प्रकार का, जब आप छुट्टी हो और आप थोड़ा सा एलोन फील कर रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। ये देखिए हवा चल रही है और यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन का भी आप लाभ ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। ओके थैंक यू, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड हैप्पी न्यू ईयर।